नोडल अधिकारी श्रीमती मिनिस्ट्री एस महानिरीक्षक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश ने तहसील एवं स्वास्थ्य केंद्र जालौन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे, तहसील जाकर सभी विभागों की जानकारी ली और लोगों की समस्याएं भी सुनी। तहसील का निरीक्षण करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन का निरीक्षण भी किया और डॉक्टरों की टीम को दिशा निर्देश दिए। महिला वार्ड में जाकर मरीजों से बात की और अधिकारियों को कहा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि आमजन को इनके बारे में पता चल सके और वो इसका लाभ उठा सकें। जालौन से अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। जनता के लिए जो सुविधाएं हमको देना है उसके बारे में हमें ज्यादा चर्चा करनी है। जैसे आपका ऋण माफी योजना जब चल रहा है उसमें मृतक काफी लोग जिसकी बारे में हम लोगों ने ये तय किया है कि कैंप करवा कर उनको जो फ़ायदा मिलना है दवाओं को उसके लिए मदद करेंगे, बैंक से कॉर्डिनेट करेंगे ताकि वो 1 लाख जो बोझ है हो सकते हैं उनको मालूम ही नहीं आगे क्या करना है। तो करीब 400 महिलाएं हो गई जिनको वो ऋण माफी का जो लाभ मिलना चाहिए क्योंकि हस्बैंड नहीं करना। उसी कैंप में हम लोगों का ये प्लानिंग है कि विधवा पेंशन और बाकी जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम है वो भी उनको उनसे लाभान्वित करें ताकि एक ही कैंप से अलग अलग स्कीम का उनको तो इस तरीके से हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं का और जनमानस के समीप लेके जाने के लिए वहाँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस क्योंकि मैं महानिबंधक में वहाँ एक कंप्लेंट आया कि बिल्डिंग थोड़ा सा जर्जर है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। अभी इलेक्शन आने वाले काफ़ी महिलाएँ वोटर लिस्ट में लगी हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं को हम जागरूक करें इसके बारे में सुझाव दें कि जहाँ वोटिंग प्रतिशत कम है जहाँ महिलाओं के जो आईडी वगैरह मतलब किया है वो कम है इसलिए हम फोकस करके काम करें ताकि हमारे बेटियों को भी हक मिले स्पेशली 18 से वो आ जाए और वो बीमा भी जो है वोटिंग में तो विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने काम किया। CHC में अभी कल जो वृक्षारोपण है तो डॉक्टर साहिबा ने एक बहुत अच्छे उन्होंने किया है सर्जन करके जो ड्रमस्टिक बोलते हैं इंग्लिश में तो वो उन्होंने करीब कुल कितने आप लोग लगाए 100 लिए थे सबसे ऐसी भी दो मुझे ऐसी भी दो जी क्या, ये डायबिटीज के लिए और एनीमिया के लिए सबसे उपयुक्त एक पेड़ है। अच्छा, यदि हर घर में एक है कि हमको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी गरीब है अपने घर में ये ऐसे ही पेड़ है तो वो जो है अपने बच्चों को जो खाना बना के खिलाएंगे तो ना एनीमिया होगा ना डायबिटीज होगा तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक प्रयास किया है। कल हम भी वृक्षारोपण वगैरह यहाँ भी अपने यहाँ भी होगा सब जगह होगा तो उसका प्लानिंग भी अभी जाकर रिव्यू करेंगे। यहाँ हमने ये सुझाव दिया है कि तंबाकू के विरुद्ध तंबाकू और एंटी डायबिटीज बहुत सारे प्रयास आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास है परंतु लोगों तक नहीं पहुँच रहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आप लोग भी कब सहयोग कर पाएंगे जब बहुत बड़ा कार्यक्रम हो तब अपलोडिंग ज़्यादा ही हमने ये बताया इसमें मेजर SDM सामान को देना चाहिए तो जहाँ मैक्सिमम एक बार हम डेटा का विश्लेषण करें जहाँ सबसे कम टीकाकरण है ऐसा जगह में महिलाओं को बुला करके इसमें SDM साहब CMO साहब सब होकर के ऐसा प्रोग्राम्स के बारे में बता दें हमारे माताओं को जागरूक करें क्या क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं आप आकर के ले लीजिए। जैसे यदि फैमिली प्लानिंग करेंगे एक महिला को करीब 5,000 रुपये मिलने का व्यवस्था है विभिन्न योजनाओं तो लोगों को मालूम ही नहीं है तो कैसे योजनाओं को लोग तक पहुँचवाना उसके बारे में हम चर्चा की और एक NRC है जहाँ वो जिला हॉस्पिटल में है जहाँ सबसे जो मैलनरिश कुपोषित बच्चे हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा और माताओं को पैसा मिलवाने के लिए मतलब 50 रुपया हर दिन माता पिता को मिल रहा है कि तो आप कुपोषित बच्चे को लेके आइए खाना खाइए और उसको दवा दे दीजिए 100% निःशुल्क बट लोगों को मालूम ही नहीं है कैसी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। उसको हमने बताया कि एक साल के लिए प्लानिंग बना लीजिएगा CDPO वगैरह से डेटा ले लीजिएगा नेतृत्व SDM दे दें ताकि हमारे योजना का लाभ सबसे गरीब इसके बारे में डिस्कस।